बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। सीएसएस पीएमएस टाइम्स के साथ हम हैं सीएसएस 2018 करंट अफेयर्स क्वेश्चन 6। क्रिटिकली एनालाइज द न्यूली एस्टेब्लिश्ड इस्लामिक मिलिट्री अलायंस एंड इट्स फ्यूचर इम्प्लिकेशंस फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड। द इस्लामिक मिलिट्री पार्टनरशिप टू बैटल साइकोलॉजिकल वारफेयर अदरवाइज कॉल्ड द इस्लामिक मिलिट्री यूनियन इज़ अ टैक्टिकल कलूजन ऑफ ओवरवेलमिंग मुस्लिम ग्रेटर पावर नेशंस दैट वाज लेड आउट इन 2015। द कलूजन इज सेटल्ड इन रियाद सऊदी अरेबिया एंड इट्स एक्सप्रेस्ड ऑब्जेक्टिव इज टू अरेंज मिलिट्री एंड सिक्योरिटी एंडेवर्स अगेंस्ट साइकोलॉजिकल वारफेयर एंड फैनाटिसिज्म इन द मुस्लिम वर्ल्ड। बेसिकली ये इंटरनली जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इश्यूज थे उनको टैकल करने के लिए था, स्पेशली यमन वॉर थी जो यहाँ अरब स्प्रिंग जो 2011 में हम सब ने देखा। तो अब देखते हैं, द फाउंडेशन ऑफ द IMFAFT हैज़ हैड वेरियस रेमिफिकेशंस फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑन द पॉजिटिव साइड द कोलिजन गिव्स अ स्टेज टू पार्ट नेशंस कोऑर्डिनेट ऑन काउंटर टेररिज्म एंडेवर्स एंड ऑफर इनसाइट एंड एसेट्स। दिस कैन असिस्ट विद अपग्रेडिंग द जनरल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड बाय बेटर ट्रेंडिंग टू द डेंजर ऑफ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन एंड रेडिकलिज्म। एंड नाउ ऑन अदर साइड नेगेटिव साइड हम देखते हैं, नॉनदिलास देयर हैव एडिशनली बीन कंसर्न्स रेज्ड अबाउट द फ्यूचर रेमिफिकेशंस ऑफ द मिलिट्री फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड। वन ऑफ द वाइटर रिएक्शंस ऑफ कोलिजन इज दैट इट इज़ ओवरवेलम्ड बाय द सुन्नी मुस्लिम नेशंस विद नॉमरस सिग्निफिकेंट शिया मुस्लिम नेशंस लाइक ईरान एंड इराक रिजेक्टेड फ्राम द कोलिजन विच हैज़ प्रॉम्प्टेड वरीज दैट दिस मिलिट्री अलाइंस कुड कंपाउंड पार्टीशन स्ट्रेन्स एंड ऐड टू एडिशनल डिवीजन इनसाइड द मुस्लिम वर्ल्ड। अनदर वरी इज़ दैट मिलिट्री अलाइंस कुड बी यूटिलाइज्ड एज अ डिवाइस फॉर सीकिंग आफ्टर पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट ऑफ इट्स पार्ट नेशंस एज अपोज टू जेरो इन एक्सक्लूसिवली इन काउंटर टेररिज्म एंडेवर्स। दिस कुड ब्रिंग अबाउट द कोलिजन बींग यूटिलाइज टू सीक आफ्टर टेरिटोरियल फाइट्स फॉर कंट्रोल स्पेशली बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान टू द डेट्रीमेंट ऑफ द जनरल सिक्योरिटी एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो इस तरह से इसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ इसके नुकसान हैं, वो ऐसे हैं क्योंकि ये सेक्टेरियन बेस्ड जो है सुन्नी मेजोरिटी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, और इनका जो कल को लड़ाई में हो सकता है कि ये शिया कम्युनिटी के साथ अगर लड़ाई कन्फ्लिक्ट में इन फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट द रिसेंटली सेटल्ड इस्लामिक मिलिट्री कोलिजन हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेमिफिकेशंस फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड। वाइल इट गिव्स अ स्टेज टू पार्ट नेशंस टू कोऑर्डिनेट ऑन काउंटर टेररिज्म एंडेवर्स देयर आर लाइकवाइज वरीज दैट इट कुड फ्यूल पार्टीशन स्ट्रेन्स, मतलब ये मुस्लिम दुनिया को डिवाइड कर सकता है। बी यूटिलाइज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट, इससे जो है ना अपने सियासी मफादात और जो इंटरनेशनल मफादात हैं उसका तहफ़ुज़ किया जा सकता है। एंड ऐड टू एडिशनल डिवीजन इनसाइड द मुस्लिम वर्ल्ड, तो इससे मुस्लिम दुनिया में एक बड़ी जो है वो खलीज पैदा हो सकती है, एक बड़ा डिवाइड किया कर सकता है ये मिलिट्री अलायंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।